Okay, so area under the curve is also known as a quadrature, and area under the curve is the application of definite integration. Actually, volume भी आता है application of definite integration में, पर volume 12th board में था पहले, वो अभी हटा दिया है, अभी नहीं है. Next, तो area under the curve is the application of definite integration, पर इसमें एक analogy लगेगी. तो analogy क्या है कि मान लो there is a integrand above x axis, तो एक छोटी सी strip ली dx width की, तो dx width की स्ट्रिप ली और हाइट है y, तो एरिया होगा y dx. लेकिन ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx. तो एरिया कितना होगा, इंटीग्रल y dx फ्रॉम a टू b. नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर इंटीग्रेंड अबव x एक्सेस है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही एरिया है. अगर इंटीग्रेंड अबव x एक्सेस है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही एरिया है. अगर फंक्शन बिलो x एक्सेस है, तो अगर फंक्शन बिलो एक्स एक्सेस है तो एरिया माइनस टाइम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन है. और अगर फंक्शन एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, फंक्शन अगर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, तो इसको पीस वाइज इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो ये ए, ये सी, ये बी. इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि फंक्शन एक्स एक्सेस के ऊपर कब था और फंक्शन बिलो एक्स एक्सेस कब था. तो इसका एरिया होगा माइनस टाइम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो दिस इज द आंसर. अब ये नेगेटिव को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये खुद एक नेगेटिव वैल्यू छोड़ेगा, वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेगी, तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है. ये मॉडुलस की तरह काम कर रहा है. नेक्स्ट, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये बहुत मिलेगा तुम्हें. तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स होता है, मान लो ये एक फंक्शन है और ये एक और फंक्शन है, तो ये नीचे जो है वो एफ एक्स है, जो ऊपर है वो जी एक्स है, ए टू ए से बी. तो एरिया हो जाएगा ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. नेक्स्ट, तुम्हें कई जगह ये मॉडुलस करके मिलेगा, पर अगर मॉडुलस भी मिला तो रीडिफाइनिंग तो करनी पड़ेगी कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है. मैं क्या करता, हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो सपोज अगर ये इंटरसेक्टिंग है, तो सपोज अगर ये इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, तो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है और सी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए से सी करूंगा. तो ए से सी में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो एफ माइनस जी प्लस सी से बी में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी जी माइनस एफ. ये सी से बी, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे. तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. नेक्स्ट, एरिया अगर वाई एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं, ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन दिखाता है, वाई एक्सिस के साथ ये इन्वर्स फंक्शन दिखाता है. तो इसमें ट्रिक्स रहती हैं कि कैसे एरिया निकाल रहे हैं. तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एरिया निकालते वक्त, एरिया निकालते वक्त तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. पहला ग्राफ, दूसरा बाउंड्रीज, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है बाउंड्रीज, कि कहाँ से एरिया निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट एक्सीज, पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट एक्सीज, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला एरिया, पर ये एरिया कौन हुआ, कर्व एंड एक्स एक्सिस हुआ. पर क्वेश्चन अगर है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये एरिया पूछा है, ये एरिया पूछा है. अब कन्फ्यूजन और कब बढ़ेगा, मान लो ये पैराबोला अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल है तो ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है, तो क्वेश्चन मेंशन करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, कुछ ना कुछ मेंशन करेगा. बट बहुत क्रूशियल चीज़ है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसके अंदर एरिया वाले क्वेश्चन में. तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला कि ग्राफ, ताकि ये पता चले कि अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, ऊपर कौन है नीचे कौन है, अपर कर्व लोअर कर्व. दूसरा है बाउंड्रीज, कि एरिया निकालना किसका है. तीसरा इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार डेफिनेट इंटीग्रेशन करके ही एरिया निकाला जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन करके ही निकाला जाए, एरिया कभी कभी ज्योमेट्री से भी निकलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कई कुछ रिलेशन है अपने पास, जैसे सर्कल का एरिया, एलिप्स का एरिया, पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट का एरिया, तो कुछ ऐसे ज्योमेट्री की वजह से भी एरिया निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार ही डेफिनेट इंडिकेशन पे जाया जाए. नेक्स्ट, तो अगर ये वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसकी स्ट्रिप की विड्थ हो जाएगी डी वाई और इसका विड्थ तो हाइट हो जाएगी एक्स, तो ये स्ट्रिप का एरिया होगा एक्स डी वाई, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा. नेक्स्ट, ये इन्वर्स फंक्शन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स को वाई के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो वाई अगर एक्स में दे रखे, एक्स को वाई के टर्म्स में लाएंगे तो वो इन्वर्स फंक्शन होता है. लेकिन एक लास्ट टॉपिक कवर करूंगा मैं, इन्वर्स फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे इन्वर्स निकाल कर ही करना पड़े, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं. तो
जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये पैराबोला है वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वर्टिकल पैराबोला, एक्स के क्वाड्रेटिक, एक्स लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मुंह नीचे खुलेगा। तो इसमें एरिया पूछा है कि बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये वाला एरिया पूछा है। तो कंफ्यूजन आता है कि कौन सा एरिया निकालना है।